तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आपको तो पता ही होगा कि अभी गॉडलाइक के लाइनअप में चेंजेस होने वाले हैं। एंड हाँ, क्रॉन्टेन ये कंफर्म किए हैं कि कोई भी प्लेयर गॉडलाइक लीव नहीं करने वाला है। इट मीन्स हमें लाइनअप में न्यू प्लेयर्स खेलते हुए देख सकते हैं। सो क्या इनसेन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर गॉडलाइक ज्वाइन करने वाले हैं? एंड व्हाट वाज द मेन रीजन कि गॉडलाइक को अपने लाइनअप में चेंजेस करने की जरूरत पड़ी है? इन सभी टॉपिक पर गेम्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बात करते हैं। एंड वो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहे थे पहले बंदे लाइक बिफोर द बीजीएस एंड ऑल थिंग, तब मैंने ही बोलता कि थोड़ा सा वक्त दे दो टीम को, गेम को लगभग, गेम अभी मतलब लाइक कौन सा थर्ड पार्टी टूर्नामेंट चल रहा है, मेन ऑफिशियल में ही पता चल जाएगा। ऑफिशियल में अच्छा प्रदर्शन आएगा तो बेशक थर्ड पार्टी पे अच्छा आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ भूल चूक माफ हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए ऐसा सीन है भाई, ऑफिशियल में भी नहीं हो पाया वो सीन, नहीं बन पाई बात, इसके चलते अब वो डिसीजन ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाई जो भी डिसीजन होगा सही ले रहे होंगे। ठीक है, हाँ, ये एक आप लोग के लिए गुड न्यूज काइंड ऑफ है कि जो गॉडलाइक के जो प्लेयर्स हैं वो गॉडलाइक में रहेंगे जरूर, बट मेन लाइनअप का पार्ट रहेंगे या फिर कुछ और ऐसा पार्ट रहेंगे, अलग डिफरेंट रोल रहेंगे गॉडलाइक में, वो अलग डिफरेंट थिंग है ना। डू यू थिंक इनसेन प्लेयर विल जॉइन गॉडलाइक? आई डोंट थिंक। हर्षित, फिलहाल तो ऐसे कोई खबरें तो नहीं आ रही है इनसेन की गॉडलाइक में जॉइन होने के लिए। गॉडल में कौन आएगा अभी, यही तो अभी अलवी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है। लाइनअप तो चेंज हो ही गया है, बस प्रैंक नाम दे दिया है। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है नॉटेंच। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में प्रैंक हो सकता है? एंड इफ न्यू प्लेयर्स आने वाले हैं तो वो कौन से प्लेयर्स होंगे जिनके साथ हमें सबसे अच्छे बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।